संकेत, तुमने तुमने घर से पैसे क्यों लिए? मैंने, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं ये पैसे नहीं लेता तो वो इंसान तुम्हें ब्लैकमेल करता रहता। मैंने जो कुछ भी किया हम सबकी खुशी के लिए किया, और विनय अगर मैं ये सब नहीं करता ना तो हमारे घर वालों में जो रिश्ते बने हैं ना वो सब टूट जाते, और वो मैं होते हुए नहीं देख सकता था। संकेत भाई थैंक यू सो मच यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं। जो तूने मेरे लिए किया है मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता भाई। मैंने तुम्हें मेरा एहसान चुकाना है ना बड़ी, तुम ये बात किसी को भी मत बताना, किसी को भी नहीं। और हाँ, तुम सारी फोटोज और वीडियोस लेकर ये मामला खत्म कर दो। इनफैक्ट तुम उसे अभी कॉल करो और ये पैसे दो और सारी वीडियोस ले लो, सारी फोटोज ले लो। पैसे कहाँ? नहीं, अब मैं तुझे एक भी रुपया नहीं देने वाला। जब तक तू मुझे मेरे फोटोज और वीडियोस नहीं देता तब तक तो बिल्कुल नहीं, मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ। जब सबूत देने का टाइम आएगा मैं तुझे सबूत दे दूंगा, अभी तू पैसे दे, वरना वरना क्या क्या करेगा तू? पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे बेटा। एक मिनट, देखो भाई साहब, ये बिल्कुल सही कह रहा है, और वैसे भी आप लोग एक बेगुनाह इंसान को बहुत परेशान कर चुके हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इसे और परेशान मत कीजिए। आप हमसे पैसे ले लीजिए और हमें हमारी फोटोज और वीडियो दे दीजिए। ओके, ठीक है ठीक है, पर पहले मैं पैसे गिनूंगा। एक भी रुपया कम निकला ना तो तू गया। ला पैसे। लाइक से नहीं, जो वो कह रहे उसे करने दो। एक दो, ये लो फोटोज और वीडियोस। पर हाँ, याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की या फिर किसी को इसके बारे में बताया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, हम किसी और को नहीं बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Come on, Vinay, relax now. अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देखो विनय, अब तुम्हें और मेरी बहन को आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो गाइस, काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। कल तो भी ऑफिस भी तो जाना है। बाय। देखो निशा, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद सब चीज़ों को नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन लेकिन थैंक गॉड कि ये सब खत्म हो गया। एंड आई जस्ट होप कि यार भी अब तुमको या मुझको अब परेशान ना करे। चलो निशा, मैं भी निकलता हूँ। बेचारा विनय। सो गाइस, फाइनली पैसे आ गए।
चलो गाइस एक काम करते हैं कि पैसे अभी डिवाइड कर लेते हैं और काम खत्म करते हैं। देख संकेत, मैं तुझे बताना भूल गया कि दोस्त पैसे डिवाइड करने की बात को तू भूल जा। अबे ओ, पागल हो गया है? ये पैसे लाने में सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की है। हाँ तो देखा ही था, एक बार तो तूने पैसे ऑलमोस्ट गवा ही दिए थे और दूसरी बार तेरी बेवकूफी की वजह से हम लोग फंस जाते। निशा अपने फ्रेंड को समझा देना, हम चलते हैं। अबे ओ, कहाँ चलते हैं? बिना मेरे पैसे दिए तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। अच्छा अब तू बताएगा कि हम क्या करें और क्या नहीं? हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं। तुम दोनों को तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा मैं। सारे पैसे मेरे। तुझे जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूं कि तू ये पैसे कैसे लेके जाता है। यहां पर अभी मैं तुमसे भरोसे की बात कर रहा था और अब ये सब। उसने कहा कि अगर मैंने उसे पैसे समय पे नहीं दिए तो ये फोटोग्राफ वो मेरे हस्बैंड को भेज देगा। ये तुम्हारे पीछे खंडन है ना, आज चुपचाप जाकर सारे पैसे रख। तुझे क्या लगता है तू बहुत स्मार्ट है, मुझे पैसे नहीं देगा और मैं मान जाऊंगा? तेरे फोन काटने से पहले ना वो सारी फोटो वो सारी वीडियो तेरे ससुराल पहुंच जाएंगे। क्या ये सब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इतने गिरे हुए आदमी निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकता। संकेत तुमने घर से पैसे क्यों दिए? मैंने अगर मैं ये पैसे नहीं लेता तो वो इंसान तुम्हें ब्लैकमेल करता रहता। भैया गाड़ी रोको। इनफ गाइस, हम लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं ना, ये सब झगड़ा करने से क्या होगा? तीनों में यही डील हुई थी कि ये सारे पैसे इक्वली डिवाइड होंगे। निशा ये प्लान मेरा है, आइडिया मेरा है, सारी मेहनत मेरी है, तो इनको कैसे पैसे लेके जाने दूं मैं? छोड़ो ना यार संकेत, बात अब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, अभी हम क्या कर सकते हैं? और तुम दोनों ऐसे झगड़ा मत करो, हम लोग बैठ के सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस बात का। ना बैठ के अब कोई बात होगी और ना ही बैठ के कोई सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें एक बूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। तुम और निशा तुम दोनों ने मिलके ये सब किया, इतना घटिया खेल खेला तुम दोनों ने। संकेत तुम्हारी बहन की मुझसे दो दिन बाद शादी होने वाली है। नहीं मेरी बात शट अप। तू पैसों के लिए इतना कैसे गिर गया संकेत? कर भी कैसे सकता है तू ये सब? और निशा तुम्हें तो मुझे देख के गिरा रही। तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ किया निशा, तुमसे मैंने दोस्ती, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ, तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने हर हद पार करी निशा, और तुमने मेरे साथ ये घटिया खेल खेला।
तुम दोनों बचोगे नहीं। ब्लैकमेलिंग करने के जुर्म में तुम दोनों लंबे टाइम के लिए अंदर जाओगे। और जो तुमने ये कारनामा किया है ना, इसके लिए तो तुमको उम्र कैद होगी संकेत, उम्र कैद। देख विनय, मेरी कोई तुझसे बसना दुश्मनी नहीं है, इस जस्ट मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। और जहां तक ये निशा की बात, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और सपोर्ट तो करेगी ना वे। और विनय, जो होना था वो हो गया, हमें पैसे चाहिए थे वो हमें मिल गए, तुम भूल जाओ और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? भूल जाऊं मैं? कैसे भूल जाऊं संकेत, जीजू के मरने के बाद पूरी घर की जिम्मेदारी मुझ पे, ये बात तू अच्छे से जानता था। तुम ऐसा क्यों किया? अरे अगर पैसे चाहिए तो तुम अपने भाई से लेता ना। बस बात हो गया, अगर तुझे पुलिस को बुलाना बुला, जिसको बुलाना है बुला, लेकिन रौनक से भीख लेने के लिए मुझे कभी मत कहना। संकेत, रौनक तेरा भाई है। अबे ओ प्लीज, भाई भाई नहीं है वो मेरा, बस नाम का रिश्ता है हमारा। एनीवेज चक इट, मैं यहां पे फैमिली इश्यू डिस्कस करने नहीं आया, तुझे पुलिस को बुलाना है ना, जा बुला ले पुलिस को। तो ठीक है, अब आगे की बातें पुलिस के सामने ही होगी। संकेत तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? ना, मैं पागल नहीं हूं। I was just making sure इस डंडे पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हो। तुम्हें इतनी जल्दी थी पुलिस को बुलाने की, तो हमें भी जल्दी है ना बचने की। तू मर गया, तुमने उसे मार दिया तुमने उसे। जाओ जाओ जाओ, बुला लो पुलिस को। निशा, उस पे मैंने के फिंगरप्रिंट्स हैं ना, तो वो क्या है ना, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना हमें शोभा नहीं देता। इसे तुमने मारा है संकेत? मैंने नहीं। मैंने कुत्ता पालो, शेर पालो, लेकिन कभी गलत फहमी मत पालो। मैंने इसे, मैंने नहीं, तुमने मारा है। ये फोटोज, ये डंडे पे फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे हैं और इन सब का प्रूफ है। तो जो इंसान तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था वो तो मर गया, जो उसके पास फोटोज वीडियोस थी उसमें तुम और निशा थे, और तुमने पैसे किससे लिए थे? हाँ, नीति से। तो मेरे प्यारे जीजू, इस पूरी पिक्चर में मैं तो हूं ही नहीं। निशा रिलैक्स। निशा तुम टेंशन मत लो, मैं जो कहूंगा तुम बस वो करना। मैंने, इट्स वेरी सिंपल, देखने से सब यही लगता है तुमने इसे मारने का प्लान बनाया है, क्योंकि तुम बाहर पर पैसे ही नहीं देना चाहते थे इसे। संकेत, तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो ये बात तुम भी जानते हो कि ये सब झूठ है। हाँ मैं जानता हूँ ये झूठ है, ये जानता है ये झूठ है, वो भी जानते ये झूठ है, लेकिन पुलिस वो नहीं जानती कि ये झूठ है।
मेरे प्यारे जीजा जी, कुछ भी करने से पहले हजार बार सोचो कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करते हो तो तुम्हारी फैमिली अपना एक लौता अर्निंग मेंबर खो देगी। देख लो, काजल भाभी तो भोपाल में है और वो दो बूढ़े अंकल जो ऑलमोस्ट रिटायर्ड होने वाले, काम वाम करने के तो लायक है नहीं, तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा अगर तुम चले जाओगे? देख विनय, मेरे प्यारे जीजा जी, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना मेरी बात मान लो, इस बात को भूल जाओ और चले जाओ। और जहां तक रही इस लाश की बात, इसे मैं संभाल लूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा तो ये सारी कहानी सच हो जाएगी। निशा, मेरे प्यारे जीजा जी को एक नई शर्ट लाके दो, वो अपना डिसीजन बदल चुके हैं, अब घर जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं मुझे ना सुनना पसंद नहीं। ले लो जीजा जी, आप ही की फिटिंग की है। जाओ जाओ। इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। और तुम लोग परेशान मत हो, मुझे नहीं लगता ये विनय पुलिस को बताएगा, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना होगा। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। एक बार ये लाश ठिकाने लगाया हूं फिर तुम्हें आके सब समझाता हूं। रिलैक्स। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।